वो ये कचरा, इसके अंदर इकट्ठा हो चुका है कचरा सारा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने इसको काम में ले सकते, इतना ये मल्टीपर्पज के लिए यूज में ले सकते, मल्टीपर्पज यूज हेयर ड्रायर है, ठीक है दोस्तों। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं विकास भाई साहब। आज की वीडियो उसके अंदर मैं बहुत ही कमाल की चीज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको मैं बहुत पहले बना दिया था, बट उसके अंदर अपग्रेडेशन वगैरह मैंने किया था, जो कि बहुत पहले कर दिया था, लेकिन मैं आज आपको दिखाने के लिए मैं मूड में हूँ, मैं चला दिखा दूँ कुछ नया, ठीक है। तो गाइस ये एक हेयर ड्रायर, इसे हमने बनाया था बहुत टाइम पहले, इसकी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, बिल्कुल इजी बनाना है इसको, ठीक है। तो इससे अपन क्या करते हैं, सिर्फ बाल को सुखा सकते हैं, इतना काम करता है, लेकिन इसके अंदर हमने जो मॉडिफिकेशन किया वो बहुत कमाल की चीज़ है, जो मैं दिखाऊंगा। चलिए इसको चला के देखता हूँ आपको कि कैसे चलता है, ठीक है। तो इसके क्या कि मैंने बटन वगैरह जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि क्या इसको दोनों तरफ घुमाना पड़ता है, कभी उल्टा कभी सीधा, तो बटन तो काम नहीं देता, इसलिए मैंने सिस्टम किया है इसका। तो इसकी हवा जो लेकर जा रही है, बाल हिलते हुए आपको दिख रहे होंगे, चल रहा है जो वो इसके अंदर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? देखो रुकी ब्लेड, तो ये चल तो रहा है, बहुत मस्त चल रहा है, ठीक है। हवा भी आती है, बाल बाल सुखा सकते, ये काम आता है। तो मैंने आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैंने एक बोतल काटी थी, फिर इसके लिए मैंने आगे एक थोड़ा सा पाइप टाइप रखा हुआ। तो इससे अपन इसकी क्या कर सकते, पहले पहले इसका जो काम जो अपन कर सकते वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसको इसके आगे फिट किया, उसके बाद हवा जो है सीधी बड़े होल से फिर छोटे होल से गिरे, तो इससे बिल्कुल जाड़ी हवा की, ताकि आराम से बाल सेट हो सके, बाल सूख जाए जल्दी, तो एक काम इससे ही हो सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम तो अच्छे, ठीक है। अब एक काम और मैं आपको दिखा सकता हूँ इससे क्या कर सकते हैं, पहले मैं इससे भी हवा दिखा देता हूँ आपको, हवा कैसे आती, ठीक है। तो हवा आपको दिख रही होगी, देखो मुझे पता नहीं पड़ रहा था हवा आपको दिख रही होगी कैसे, ठीक है। हवा आ रही है मतलब तो काफी हो रहा है, अच्छा है, ठीक है। तो अब इसके पीछे मैंने एक जाली रेडी की है, बोतल को काट के इसके पीछे कपड़ा लगा दिया, इसको अपन इसके पीछे इजीली फिट कर सकते हैं इजीली ये। अब अगर हम इसको उल्टा घुमाएंगे रिवर्स में, तो ये इजीली एक वैक्यूम क्लीनर काम कर सकता है, सही खेल गया बैंड, जो कि किसी भी छोटे मोटे कचरे को इजीली उठा सकता है, ठीक है। एक चीज और है इसके साथ में अटैच करने की, जो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इसका काम दिखा देता हूँ आपको, कचरा उठा के दिखाता हूँ कि ये जो बहुत ही मतलब मैंने पहले खाली इसको हेयर ड्रायर के समय बनाया था, बट इसको मैंने थोड़ा अपग्रेड करके इस तरह सिस्टम लगा दिया, ताकि क्या कचरा जो होगा अभी जाले के अंदर इजली भर जाएगा, रह जाएगा और निकाल सकते कचरे को, ठीक है। तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको कि इसे कचरा कैसा लेता है, ठीक है। कचरा इकट्ठा करके मैं निकाल देता हूँ आपको। तो यहाँ पे बहुत सारा मैंने कचरा इकट्ठा किया हुआ है, देखो ये कागज का गत्ता है, कचरा है, सॉरी समझ जाओ, ठीक है। अब इसको मैं घुमाता हूँ, इससे आपको कचरा खींच के दिखाता हूँ कि कैसा इजीली काम करता है, ये जाली लगी हुई है तो कचरा बाहर फेंकाई करनी, ठीक है। तो मैं जल्दी चला के दिखाता हूँ आपको, चल गया है, अब देखना गाइस। तो जैसे से इजी से कचरा खींच लिया, देखो आवाज भी आ रही है, बवाल चीज है बे, पीछे ठेक धीरे से फोन हुआ कचरा, ठीक है। बाकी कचरा मैं दूसरी फोर पीछे लेकर दिखाऊंगा, इको सिस्टम बनाया है इसके लिए मैंने, ठीक है। ये कचरा ऐसे खींच लिया है, और अब इसको खोल के अपन छोटे छोटे पीसेस में कचरा, देखो इसके अंदर कचरा है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, बट इसके अंदर कचरा है, ठीक है। मैं निकाल कैसे दे दो, देखो ये वो ये कचरा, इसके अंदर इकट्ठा हो चुका है कचरा सारा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने इसको काम में ले सकते, इतना ये मल्टीपर्पज के लिए यूज में ले सकते, मल्टीपर्पज यूज हेयर ड्रायर है, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, काम ले सकते, ठीक है। इसलिए मैं सोचा आपको दिखा दूँ, क्योंकि बहुत अमेजिंग सी चीज है और यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अब एक फाइनल चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो बहुत ही ये क्या है, ये किस काम का है मैं बताता हूँ, क्योंकि जब कहीं कचरा ऐसी जगह फंस जाता है जो कि हाथ से नहीं निकल सकता, झाड़ू से भी नहीं निकल सकता, बहुत अंदर होता है, ठीक है, छेद के अंदर वगैरह, तो उसको निकालने के लिए क्या आते हैं, उसका पर मैंने दिमाग लगाया, ये एक पाइप के आगे मैंने इस बार ये वो चारों तरफ बैंड होने वाला सिस्टम ये है लगा दिया, एक रेड कलर का पाइप लगा दिया, ये रबर और ये, अब इसको डाटा पेन इसके ऊपर फिट कर सकते हैं, कैसा लग रहा है गाइस, एकदम परफेक्ट कमाल का जो है इसका लुक आ रहा है, इसको मैं अंदर घुसाया, देखो
तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट वैक्यूम क्लीनर बन चुका है, जिससे आप किसी भी कोने तक का कचरा निकाल सकते हो इजीली। इसको भले आप टेढ़ा करो, आगे से घूम के इधर ही टेढ़ा जाके आराम से कचरा से निकाल सकते हैं इजीली। आगे का पाइप छोटा हो सकता है, इजीली तो लग सकता है, तो किसी भी छोटे छोटे कोने में जाके इजीली कचरा निकाल सकता है। तो इतना ये मल्टीपर्पज यूज हेयर ड्रायर है, जिसको हम वैक्यूम क्लीनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। असंभव, असंभव है। अमेजिंग चीज है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनर को। इसको लगा देंगे इसको पीछे, ये अभी परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। पहले परफेक्ट नहीं था, अब परफेक्ट है। अब मैं इसको कचरा खींच दिखाता हूँ आपको कि कितना ये जोरदार काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखना, देख लो गाइस, तो सारा कचरा जो है साफ कर दिया सारा। 2 मिनट पहले मैंने कितना कचरा डाला था, सारा कचरा इसने अपने अंदर खींच गया। ये इतना पावर है इसके अंदर, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा काम का है, कितना ज्यादा काम करे। आप कार के अंदर से कहीं से कचरा फंस गया, इजीली फंस गया कार के अंदर, कहीं भी कचरा फंस गया जामा। तो बहुत जगह होती है जहाँ हाथ से नहीं निकल सकते, झाड़ू भी नहीं सकते, तो वो ये जगह काम आ सकता है। और मैं कचरा निकालने का सिस्टम दिखा देता हूँ आपको। ब्लेड्स में फंस गया थोड़ा बहुत कचरा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये वो सारा कचरा इजीली इसके अंदर है, ये सारा कचरा इजीली इसके अंदर आ गया। तो ये देखो इस तरह से आप इसको यूज करते सकते हो। उम्मीद है आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये जुगाड़, ठीक है। टूट गया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस फेवरेट ग्रिप से चिपका हुआ था, तो मैंने जोर से थोड़ा खींचा तो वो टूट गया है। कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको वापस मैं चिपका लूंगा। लेकिन आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अमेजिंग चीज के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ। तब के लिए जय हिंद जय भारत।